तो भाइयों कुछ भाई मेरे जो है इंटर कूलर के बारे में, दोस्तों बहुत से भाइयों को तो पता है लेकिन ज़्यादातर भाइयों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको इंजन को ठंडा करने के लिए लगाया। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। दोस्तों जो आज का वीडियो है भाइयों 5310 दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया जो है कंडीशन में भाई ने ट्रैक्टर रख रखा। और दोस्तों ये छतरी वगैरह बहुत बढ़िया लगी मुझे ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर लैमिनेट है जी, शो इसकी पूरी। तो भाइयों जो 5310 मॉडल है ये बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है दोस्तों, जॉन डियर का। और कुछ मॉडल ट्रैक्टरों के ऐसे होते हैं दोस्तों कंपनियों के कि जो ट्रैक्टर कंपनी को स्टेबल करती हैं। तो भाइयों 5310 एक ऐसा मॉडल है, जब ये आया था तो इसने जॉन डियर को जो है स्टेबल किया था भारत के अंदर। भाइयों ट्रैक्टर जो है आपको पूरा दिखाऊंगा। तो भाइयों जो भाई ने ट्रैक्टर को मॉडिफिकेशन करी है दोस्तों, मेरी भाई से बात हुई थी जिनका ये ट्रैक्टर है, तो लगभग 45,000 रुपये लगे हैं जी सारा कुछ। दोस्तों बम्पर देखो, ये किला परीक्षितगढ़ में ये बड़ा बम्पर लगता है जी, देखो यहाँ से सपोर्ट दे रखी है बहुत बढ़िया। और ये ज़रूरी भी है भाइयों, मैं अपने ट्रैक्टर पे भी ऐसे ही कराऊंगा। अगर ट्रैक्टर को फ्रंट से कहीं से ज़्यादा पुलिंग ज़्यादा खींचना पड़ जाए तो बाजी बार ट्रैक्टर के ये नाके क्रैक हो जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया लगा जी मुझे इसमें बम्पर जो है, जो पीछे तक इसमें प्लेट दी गई है। तो भाइयों 16/9/28 के जो है पिछले टायर आते हैं इसमें ट्रैक्टर में कंपनी से ही। और भाइयों 12 गियर स्पीड है, इधर आ जाता है जी ए बी कंपनी ने, इधरली साइड आ जाता है दोस्तों रिवर्स, पहला दूसरा और तीसरा। तो भाइयों 4 गियर इस साइड हो गए और 3 स्पीड इस साइड होगी, तो कुल मिला के 12 स्पीड होगी जी इसकी। और भाइयों ये ट्रैक्टर शुरू से ही इकोनॉमी पीटीओ के साथ पावर पीटीओ में आता है। तो भाइयों लगभग ये 2300 आरपीएम पे तो निकालता है 540 पावर पीटीओ में, और अगर दोस्तों हल्का लोड चलाना हो तो लगभग 1700 के करीब जो है इकोनॉमी पीटीओ में आरपीएम बनाता है जी। तो भाइयों जॉन डियर की टंकी पीछे आती है लेकिन छतरी की फिटिंग बहुत बढ़िया करके बनाई गई है जी। ये देखो ये ऊपर भाइयों कपड़ा है ना कि फाइबर है, अगर फाइबर की थोड़ी हाइट कम हो तो दोस्तों तपन की दिक्कत आती है, लेकिन इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आती भाइयों। और भाइयों बोनेट खोलने के लिए अब तो अदर कंपनी में दे दिए हैं, लेकिन ये पहले से ही इसमें जो है अलग से लॉक आता है दोस्तों, चाबी से ही बोनेट खुलता है। तो दोस्तों इंटरकूलर लगा हुआ है टर्बो के साथ इस ट्रैक्टर में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो भाइयों कुछ भाई मेरे जो है इंटरकूलर के बारे में, दोस्तों बहुत से भाइयों को तो पता है लेकिन ज़्यादातर भाइयों को बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको इंजन को ठंडा करने के लिए लगाया। तो भाइयों इंटरकूलर के बारे में कुछ मेरे भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इंजन को ठंडा करने के लिए लगाया जाता है, भाइयों ये लगाया जाता है जो टर्बो जब हवा को खींचता है तो हवा थोड़ी गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से सिलेंडरों में ज़्यादा बढ़िया तरीके से निभरी जाती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में। तो हवा को ठंडा करके दोस्तों जब सिस्टमों में भरा जाता है तो ठंडी ऑक्सीजन जो है कम जगह में आ जाती है और ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, इसलिए जो है टर्बो के साथ इंटरकूलर लगाया जाता है जी। भैया पूरा ट्रैक्टर ये लैमिनेशन है, और भैया लैमिनेशन के बारे में मैं कोई ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये अपनी अपनी समझ है भाइयों। कुछ भाई कहते हैं कि बढ़िया है, कुछ लोग कहते हैं कि ख़राब है, लेकिन ये अपनी अपनी समझ का मुद्दा है भाइयों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर ये ऊपर ट्रैक्टर के दोस्तों वैसे तो रंग को बचा के रखती है, लेकिन किसी कंडीशन में ये हार्ड भी हो जाती है, तो जब ये हार्ड हो जाती है फिर ये रंग के लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है। तो भाई ये ट्रैक्टर की लुक देखो, और दोस्तों ये जो ट्रैक्टर पूरा तैयार हुआ है ये मेरठ साइड किला परीक्षितगढ़ पड़ता है जी, वहाँ पर ये ट्रैक्टर तैयार कराया गया है। तो भाई वो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने जो चैनल पे हर तरह के ट्रैक्टर के वीडियो आते रहते हैं, तो भाई चैनल के साथ बने